नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त छत्रपाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीजी फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। आज मैं दोस्तों करूंगा अपने फार्म में भूसों को इकट्ठा, क्योंकि आज हो सकता है जो भूसा वाला है वो भूसा लेके जाए और जल्दी जल्द फार्म को खाली भी करना है और वहां पे जल्दी से तैयारी करना है ताकि जो नया लॉट आ सके। और इसके अलावा दोस्तों अभी जो है जो मैं पेड़ लगाया था वहाँ पे जो है घास ज़्यादा हो गया है, थोड़ा साफ सफाई कर दूँगा। और माता रानी के दर्शन के बाद दोस्तों चलते हैं फार्म के अंदर। और गेट मैंने खोल दिया था और ये मैंने खोला गेट। चलो इसको लगा देते हैं, ये हो गया सपोर्टर गेट को रोकने के लिए। और चलो और ये चार जो लाइट्स है वो चालू रखता हूँ मैं रात में ताकि अंधेरा ना हो फार्म में। और ये पहला मैंने बंद किया। ये हो गया सब बन, रापर रख लेते हैं दोस्तों। ये गेट को बंद कर देता हूँ। अभी जो है थोड़ा साफ सफाई हुआ है उसको मैं दिखाता हूँ कि कितना साफ किया हूँ। और भी बहुत साफ सफाई बाकी है, जो है पेड़ काफ़ी बढ़ गए हैं और रास्ता जो है थोड़ा भी क्लियर किया हूँ। और भी बहुत जगह जो है पेड़ को बचाने के लिए रास्ता साफ करना है और इसके अलावा वहाँ पे साफ सफाई करके पेड़ों को देख रेख करना है। और ये चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं साफ सफाई किया हूँ। यहाँ से मैंने शुरुआत किया है और ये देखिए ये कटहल का पेड़। पहले एक वीडियो में आप देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है घास उग चुके थे जो कि चलने के लिए दिक्कत जा रहा था। ये देखिए ये है कटहल का पेड़ और ये जो है रास्ता पहले से साफ है। और ये दूसरा कटहल का पेड़, इसमें और अभी करना पड़ेगा काम। और ये देखिए ये रास्ता है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ वेड़ हो गए थे छोटे छोटे। और ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं ये सब जो है मैंने अभी साफ किया है। और ये है कुंदरू का अनार जिसके बारे में हमेशा आपको बताता था मैं
थोड़ा सा एक छोटा सा सपोर्ट दे दिया हूँ ताकि ग्रोथ कर सके। ज़मीन पर रहने पे ग्रोथ नहीं होता इसका, ऐसा सुनने में आया। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट दे दिया है। इसके अलावा ये दूसरा कुद्रुक अनार है, इसको भी मैंने सपोर्ट दिया है और यहाँ भी थोड़ा साफ सफाई हुआ है। ये जितना जो जगह है इधर तो थोड़ा साफ करना पड़ेगा मेरे को, ताकि जो है दिखने में भी अच्छा लगे और रख रखाव भी अच्छा हो। थोड़ा समय हो गया आराम करते हुए, अब चलता हूँ मछलियों को दाना दे दूंगा, साथ में पीने के लिए पानी भी भर लूंगा, वो भी जरूरी है। पानी दोस्तों मैं 3 बॉटल भरूंगा, ये 2 बॉटल है इसमें ऑलरेडी पानी, इसको पीना पड़ेगा। अब देता हूँ पेड़ों में पानी। काम हो गया है, अब मछली को दाना, वेट आ रहा है 1 किलो 800 ग्राम, यानी कि 1 किलो 700 ग्राम मान के चलिए, 95 ग्राम का डब्बा था। अब इतना हम देंगे मछलियों को दाना, मैंने सोचा था दाना किसी और को दे दूंगा, लेकिन भौजी बोले कि भाई जो मछली है वो भी ये दाना खा सकते हैं। तो ये जो दाना है मुर्गियों का, जो मैंने कल बताया था कि 24 किलो था, उसको मैंने किसी को नहीं दिया है। अब ये जो दाना है मुर्गियों का वो हम लोग देंगे मछलियों को, और उसके बाद देखिएगा जो भीड़ होती है मछलियों की, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ दाना उन लोग को दे नहीं पा रहा था मैं, और थोड़े भूखे भी थे शायद। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो मछलियाँ खूब करती हैं खानों पे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये कुछ घास है, इसको पानी तोड़ के डाला हूँ। कारण ये है कि ये जो घास है इसको ग्रस्तकार जो मछलियाँ होती वो खाती है, तो ये उनका दाना बनेगा। अब मैं जा रहा हूँ मछलियों को दाना डालने के लिए, आप भी देखिएगा कैसे मैं दाना डालता हूँ। तो फाइनली मैंने जो है दाना डाल दिया है, और दाना मैंने फैला के डाला है ताकि मछलियाँ जो है फैल के खा सके और लोगों के बीच लड़ाई ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। दाना डालने के बाद चहल पहल बढ़ गया है, ये तो नहीं दिखा सकता अभी कितना बड़ा है, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती है वो अंदर होती है, तो उसको दिखाना थोड़ा सा दिक्कत है मेरा, क्योंकि मेरे जो कैमरे की क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है, तो आपको उतना अच्छा तरीके से नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे दिख रहा है लेकिन कैमरे में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, रिकॉर्ड करने की कोशिश किया था मैंने लेकिन वो नहीं हो पाया। बाकी हलचल बढ़ गया है तालाब में, आप देख सकते हैं, अगर दिखे तो धूप के कारण भी नहीं दिख रहा है। ज़्यादा है भूसा भी साफ करना है यहाँ से फार्म से, और मैं उतना नहीं दे पा रहा हूँ अभी जो है, थोड़ा सा भूसा साफ को फायदा लगता है, देखता हूँ जितना भूसा साफ हो करता हूँ।
इकट्ठा करने का दोस्तों चल ही रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा लगता है और उतने देर तक मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा शायद। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और बने रहिएगा तब तक के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल सीजी फार्मर छतरपाल ब्लॉग में। धन्यवाद।